ढूंढना है तो हमें इंटीग्रेट करना होगा अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर लिमिट ऑफ ऑलर टू वन मतलब हम क्या करेंगे हम एफ ऑफ एक्स को जीरो से लेके वन तक इंटीग्रेट करेंगे जीरो स्टार्टिंग पॉइंट है इसलिए और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है पॉइंट फाइव एक्स सो देवल टू

वी हैव टू फाइंड द probability दैट एक्स इज बिटवीन 0.5 and 1.5 Now इंटीग्रेशन पार्ट to remains द सेम तो 0.5 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू है फ्रॉम 1.5 to 0.5. टू ठीक है तो अभी यहाँ पे पहले 1.5 पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मिलता है इसको मैं ऑलरेडी हाफ ही लिख रही हूँ तो ये 1 पॉइंट होगा एंड अभी 1.5 का स्क्वायर होगा 2.25 पॉइंट टू फाइव माइनस पॉइंट का स्क्वायर होगा पॉइंट टू फाइव दिस इज इक्वल टू टू डिवाइडेड बाई फोर विच इज इक्वल टू हाफ बिकॉज दिस इज जस्ट टू राइट अभी नेक्स्ट वाला थर्ड हमें ढूंढना है प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू वन पॉइंट फाइव यहाँ पे क्या करेंगे 1.5 से अपर लिमिट तक इंटीग्रेट करेंगे अपर लिमिट क्या है यहाँ पे इट इज टू सो दे आई विल इंटीग्रेट टू 0.5 पॉइंट फाइव एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू सेम थिंग एज बिफोर इंटीग्रेशन रिमेन्स द सेम सिर्फ लिमिट्स को चेंज करना है हमें तो हम वापस वन पॉइंट फोर बाहर निकाल देते हैं और अब टू का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर माइनस वन पॉइंट वन फाइव का स्क्वायर इज इक्वल टू टू पॉइंट टू फाइव ओके सो देवल टू वन पॉइंट सेवन फाइव डिवाइडेड बाई फोर एंड देफो दिस इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर क्योंकि सिक्सटीन होगा फिर वन कैरी फॉरवर्ड तो फिफ्टीन है सो फॉर दैट हम ट्वेल्व लगा सकते हैं तो फिर थ्री रह जाएगा देन इट विल बी सेवन फिर फाइव सो आर आंसर विल बी जीरो पॉइंट फोर थ्री सेवन फाइव यू कैन ऑल्सो लीव इट योर और एन अदर ऑप्शन इज कि हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो उसमें हम लिख सकते दिस इज वन सेवेंटी फाइव डिवाइडेड बाई हंड्रेड इन टू फोर बराबर और क्योंकि ये डेसिमल दो है ना तो नीचे दो आएंगे और इसको अभी ट्वेंटी फाइव से अगर मैंने कट किया तो ये फोर है और ये ट्वेंटी फाइव सेवन सा है तो अपना आंसर सेवन अपॉन सिक्सटीन भी हो सकता है या डेसिमल में ये भी हो सकता है Anything, both are correct. Now, let's do बोथ आर करेक्ट नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन सपोज एक्स इज द वेटिंग टाइम इन PDF फॉर अ बस एंड तो यहाँ पे की वैल्यूट फाइव अदरवाइज हमें ढूंढना है प्रोबेबिलिटी दैट वेटिंग टाइम इज बिटवीन वन एंड थ्री तो सिंपल है यहां पे हमें बेसिकली प्रोबेबिलिटी दैट वन इज लेस एक्स इज लेस थ्री ढूंढना है इन द फर्स्ट पार्ट दिस इज इक्वल टू वन टू थ्री हमें वन अपॉइंट फाइव को इंटीग्रेट करना है वन अपॉइंट फाइव इज अ कॉन्स्टेंट तो उसको इंटीग्रेट करने पर हमें सिर्फ एक्स आता है एंड इसमें वी हैव टू सब्सटीट्यूट वन एंड थ्री वेन वी पुट थ्री वी गेट थ्री अपॉइंट फाइव माइनस वन अपॉइंट फाइव सो वी गेट टू अपॉन फाइव ओके एंड दैट्स योर आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट वेटिंग टाइम इज मोर देन फोर मिनट्स मतलब प्रोबलिटी दैट एक्स इज ग्रेटर दैन फोर दिस इज इक्वल टू फोर से लेके फाइव तक हमें इंटीग्रेट करना है वन अपॉइंट फाइव डीएक्स इंटीग्रेशन फिर भी सेम रहता है वन अपॉइंट फाइव एक्स एंड दिस इज फ्रॉम फाइव टू फोर सो वी जस्ट है फोर अपॉन फाइव मैं इसको पहले वन नहीं बना रही हूं पहले सब ट्रैक कर देते हैं तो दिस बिकम्स वन अपॉन फाइव ओके दैट इज आर आंसर

So, on integrating, we get that this is 4kx minus k into x cube divided by 3 from minus 2 to 2 is equal to 1. Therefore, on substituting, now I will get that this is uh, 8k minus this will be 8k divided by 3 minus this is uh, minus 8k.

This is now 3 minus 1 which is 2 divided by 3. So we have 16k into 2 divided by 3 is equal to 1. And hence we get that k ka value jo hai, wo hai 3 divided by 32. Mainne 2 or 16 ko multiply kar diya. Okay, so we have found out the value for k. Now let us find all these probabilities. So first question hai probability that x is greater than 0. तो उसके लिए हमें बेसिकली जीरो से लेके टू तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा सो दे फोर दिस इज फोर एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री फ्रॉम जीरो टू टू ओके नाउ ऑन सब्स्टिट्यूटिंग टू आई गेट आई गेट थ्री अपॉन थर्टी टू एट माइनस एट डिवाइडेड बाई थ्री माइनस जीरो ओके सो दिस इज इक्वल टू मैं एट को कॉमन लूंगी तो मुझे मिलता है थ्री इंटू एट डिवाइडेड बाई थर्टी टू एंड ये वन माइनस वन अपॉन थ्री इज टू अपॉन थ्री तो ये कट हो जाता है यहाँ पे ये कट होके फोर आता है ये कट करने पे टू आता है डिनोमिनेटेड में सो आर आंसर इज वन अपॉन टू नाउ द नेक्स्ट पार्ट सो नाउ इन द सेकंड पार्ट वी हैव पी दैट माइनस वन इज लेस देन एक्स इज लेसर देन वन तो यहां पे हमें माइनस वन से लेके वन तक हमें इंटीग्रेट करना है एफ ऑफ एक्स को दिस इज थ्री अपॉन थर्टी टू फोर माइनस एक्स स्क् डी एक्स इंटीग्रेशन तो सेम रहता है इसलिए दिस इज थ्री अपॉन थर्टी टू एंड दिस विल बी नाउ फोर एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री एंड दिस इज फ्रॉम माइनस वन टू वन नाउ वी सब्सटीट्यूट एंड वी गेट फोर माइनस वन अपॉन थ्री माइनस ना वेन आई सब्सिट्यूट माइनस वन आई गेट माइनस फोर माइनस एंड माइनस वन अपॉन थ्री आएगा तो ये प्लस वन अपॉन थ्री हो जाएगा ठीक है दिस इज इक्वल टू थ्री डिवाइडेड बाई थर्टी टू देन दिस इज फोर माइनस वन अपॉन थ्री प्लस फोर माइनस वन अपॉइन थ्री ओके सो दिस इज एट माइनस टू अपॉन थ्री इक्वल टू डिवाइडेड बाय थ्री तो थ्री और थ्री तो कट हो जाता है और ये हो जाता है इलेवन और ये हो जाता है सिक्सटीन तो दे फोर आर आंसर इज इलेवन डिवाइडेड बाय सिक्सटीन ओके नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन सो फॉर द नेक्स्ट वन वी हैव टू फाइन द प्रोबिलिटी दैट एक्स इज लेसर देन माइनस जीरो पॉइंट फाइव और एक्स इज ग्रेटर दैन पॉइंट फाइव ओके सो दिस इज इक्वल टू हम क्या करेंगे कि और है ना जब और आता है तभी प्लस आता है ठीक है हमेशा यू टू ऑलवेज रिमेम्बर और मतलब प्लस तो फर्स्ट टू फाइन द प्रोबिलिटी दैट एक्स इज लेसर देन माइनस पॉइंट फाइव मतलब क्या होगा लोअर लिमिट है माइनस टू और अपर लिमिट अभी यहां पर हो जाएगा माइनस पॉइंट फाइव तो दिस इज के दिस इज थ्री अपॉन थर्टी टू फोर माइनस एक्स स्क्स प्लस एक्स इज ग्रेटर देन पॉइंट फाइव मतलब पॉइंट फाइव से लेके टू तक इंटीग्रेट करना है वापस हमें इसी को इंटीग्रेशन तो सेम है तो वो वाला पार्ट लिख सकते हैं दोनों के लिए सेम ना वी हैव टू सब्सटीट्यूट तो हम थ्री अपॉन थर्टी टू को कॉमन ही ले लेते हैं और उसके बाद अभी सब सब्सटीट्यूट करते हैं पहले माइनस पॉइंट फाइव डाला पॉइंट फाइव मतलब क्या हाफ है वो तो फोर इंटू माइनस हाफ मतलब हमें मिलेगा माइनस टू तो दिस इज माइनस टू माइनस अभी पॉइंट फाइव का क्यूब कर रहे हैं मतलब फाइव का क्यूब इज वन ट्वेंटी फाइव ना वैसे ही करना है तो ये एक्चुअली माइनस और इट विल बी माइनस वन पॉइंट माइनस जीरो पॉइंट वन टू फाइव होगा ये ठीक है डिवाइडेड बाय थ्री उसके बाद हमें वापस माइनस करना है माइनस टू को डाल के तो इट विल बी माइनस एट और फिर जब माइनस टू को डालती हूं तब मुझे मिलेगा माइनस एट डिवाइडेड बाय थ्री ये सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट है अभी सेकेंड वाला इसमें अगर मैं टू पुट करती हूं तो मुझे मिलता है एट माइनस एट अपॉन थ्री माइनस पॉइंट फाइव अगर पुट करेंगे तो हमें मिलता है ये सब कुछ लेकिन माइनस के बिना तो दैट इज बेसिकली टू माइनस यहां पे दिस विल बी जीरो पॉइंट वन टू फाइव डिवाइडेड बाई थ्री ओके नाउ आफ्टर दिस लेट्स ओपन एवरीथिंग अप सो दिस इज थ्री डिवाइडेड बाई थर्टी टू एंड नाउ वी हैव माइनस टू देन इधर हो जाएगा प्लस पॉइंट वन टू फाइव डिवाइडेड बाई थ्री फिर इधर हो जाएगा प्लस एट फिर यहां पे माइनस माइनस तो प्लस लेकिन और एक माइनस है करके माइनस एट बाई थ्री फिर यहां पे वी हैव एट माइनस एट बाई थ्री एंड यहां पे वी हैव माइनस टू एंड प्लस पॉइंट वन टू फाइव डिवाइडेड बाय थ्री ठीक है अभी इफ यू ऑब्जर्व सब कुछ सेम साइन का है तो डबल हो जाएगा तो आई जस्ट हैव टू डू थ्री डिवाइडेड बाई थर्टी टू इन टू और अभी यहां पे अपने पास होगा माइनस टू प्लस एट माइनस एट बाई थ्री प्लस पॉइंट वन टू फाइव डिवाइडेड बाई थ्री ओके नाउ दिस इज इक्वल टू थ्री डिवाइडेड बाई सिक्सटीन एंड यहां पे वी हैव नाउ सिक्स एंड माइनस एट बाई थ्री प्लस पॉइंट वन टू फाइव बाई थ्री इसके बदले में लिख देती हूँ वन ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई थाउजेंड इन थ्री

नाउ दिस इज इक्वल टू एक्स का इंटीग्रेशन इज स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू इंटू एट तो पहले से ही है और इसे हमें जीरो में करना है एक्स पुट करेंगे तो सेम ही रहे माइनस जीरो उतना ही रहता है इट इज एक्स स्क्सटीन ओके नाउ आफ्टर दिस वी हैल दीज पॉइंट बट बिफोर आई डू दिस लेट मी राइट डाउन वो पूरा जो अपना रिप्रेजेंटेशन होता है दैट कैपिटल ऑफ इज इज इक्वल टू लेसर देन द लोअर लिमिट यहाँ इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन एक्स डिवाइडेड बाई सीन वेर एवर एक्स इज बिटवीन जीरो एंड फोर एंड जब भी एक्स फोर से बड़ा होगा तभी इसकी वैल्यू वन होती है करेक्ट नाउ लेट्स डू द सेकेंड पार्ट तो सेकेंड पार्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल दे है वैल्यू फॉर एफ ऑफ जीरो आंसर सिंपली इसमें सब्सटीट्यूट करके मिलेगा दिस इज इक्वल टू जीरो द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिक्सटीन विच इज इक्वल टू ये हाफ है हाफ का स्क्वायर करूंगी मतलब फोर आएगा सो दिस इज वन अपॉन फोर इन सिक्सटीन विच इज इक्वल टू वन अपॉइंटी फोर भी से फोर के बीच में आता है तो इट इज सेवन द होल 17 का स्क्वायर होता है टू एटी नाइन तो ये होगा टू पॉइंट एट नाइन डिवाइडेड बाई सिक्सटीन इसको हम यहाँ पे ही छोड़ सकते हैं अभी नेक्स्ट हमें पूछा है एफ ऑफ फाइव अभी फाइव फोर से बड़ा है इसलिए इसका वैल्यू होगा वन ओके एंड दैट इज द आंसर नाइन्थ क्वेश्चन द पी डी एफ ऑफ अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क् डिवाइडेड बाई एट फॉर वेन एक्स इज बिटवीन जीरो एंड टू एंड जीरो अदरवाइज डिटरमाइन द सी डी एफ ऑफ एक्स एंड उसके बाद वी हैव टू फाइंड ऑल दीज वैल्यूज ये सब वैल्यूज के लिए हमें सी डी एफ का यूज करना है पहले हम सी डी एफ ढूंढ लेते हैं फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ ये सब कैसे ढूंढेंगे सी डी एफ मतलब कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्टार्टिंग पॉइंट जीरो है टिल एक्स इंटीग्रेशन ऑफ थ्री एक्स स्क्ट डी एक्स ओके नाउ दिस इज इक्वल टू बेसिकली थ्री इंटू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री इंटू एट पहले से ही था फ्रॉम एक्स टू जीरो थ्री और थ्री तो कट हो जाएगा तो दिस इज जस्ट एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एट माइनस जीरो मतलब एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एट अभी हमें ये सब ढूंढना है नाउ वॉट डू वी मीन बाई सी डी एफ वेन वी सेफ इसका मतलब ये है दैट एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी दैट कैपिटल एक्स इज लेसर देन इक्वल टू दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स बराबर ये हमने पिछले एक्सरसाइज में भी सीखा था यही कॉन्सेप्ट हमें एक्चुअली यूज करना है तो फर्स्ट वाले में जब बोल रहे हैं दैट यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज लेसर देन वन मतलब एक्चुअली वी आर लुकिंग टू फाइंड कैपिटल एफ ऑफ वन ये इक्वल टू हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक है इन कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स डिस्क्रीट में पड़ता है बट कंटिन्यूस में नहीं तो एफ ऑफ वन ढूंढना है तो इसका आंसर तो बहुत ईजी है इट इज जस्ट गोइंग टू बी वॉट वेन एवर एक्स इज बिटवीन जीरो एंड टू उसकी वैल्यू ये है राइट सो वन तो बीच में है तो इट विल बी वन अपॉन एट सी द पॉइंट इज कि हमें बार बार नहीं तो इंटीग्रेट करते रहना पड़ता है अगर हमें ये ढूंढना होता है तो हम करते वापस जीरो से लेके वन थ्री एक्स स्क् डिवाइडेड बाई एट डी ये बार बार इंटीग्रेट करके सेम ही आंसर आने से बेटर एक ही बार इंटीग्रेट करके रख देते हैं और उसके बाद डायरेक्टली सब्सिट्यूट करते हैं ये पॉइंट होता है सी डी एफ का सेकेंड वाला पार्ट में पूछा गया है प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज लेसर देन माइनस टू अब ये जो माइनस टू है वो तो जीरो से कम है और ये वाला जो सी डी एफ का वैल्यू है वो तब है जब एक्स इज बिटवीन जीरो एंड टू जब एक्स जीरो से भी कम है तभी तो इसका वैल्यू जीरो होगा जब ये टू से बड़ा होगा तब इसका वैल्यू वन होगा तो माइनस टू तो जीरो से कम है यहां पे द वैल्यू इज जस्ट गोइंग टू बी एफ ऑफ माइनस टू विच इज इक्वल टू जीरो ओके नाउ नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज ग्रेटर जीरो पे तो मैं क्या कर सकती हूँ इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट यूज करके आई कैन स्टिल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस दिसिटी तो इसका क्या है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इट विल बी वन माइनस प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज लेसर देन इक्वल टू जीरो बराबर इसका कॉम्प्लीमेंट इसका उल्टा तो देफोर दिस इज इक्वल टू वन माइनस दिस इज वॉट एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ जीरो क्या होगा एफ ऑफ जीरो इज जस्ट जीरो ओनली So, इसका वैल्यू है नाउ नेक्स्ट आई टॉक अबाउट द फोर्थ वन दैट इज प्रोबेबिलिटी बिटवीन वन एंड टू हम बोल सकते हैं इसको कि पहले ढूंढो प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज लेसर देन टू फिर इसमें से हटा दो कि प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज लेसर देन वन तो अगर मैं ये सब ट्रैक करूंगी तो मुझे मिलेगा प्रोबेबिलिटी इज बिटवीन वन एंड टू देखो टू से पूरा कम मतलब हम एक्चुअली जीरो से टू तक का देख रहे हैं फिर अगर हम लेसर देन वन बोल रहे हैं तो मतलब हम जीरो से लेके वन तक का देख रहे हैं अगर इसमें से मैं ये सब कर लेती हूँ तो मुझे वन से लेके टू के बीच का मिल जाएगा ना वही हम कर रहे हैं दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ टू दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ वन और ये अभी हम कैलकुलेट करेंगे तो एफ ऑफ टू का वैल्यू होने वाला है इफ आई सब्सिट्यूट टू इन एक्सक्यूब डिवाइडेड बाई एट then I get eight divided by eight, which is one minus. When I put one, I get one divided by eight. Therefore, my answer is seven by eight. Okay. So this is how you use a cumulative distribution function to find probabilities. It becomes much easier. आपको बार बार integrate करने की जरूरत नहीं पड़ती. These are all the possibilities. इसके अलावा और कोई possibility है भी नहीं. तो जब भी less than आया तो directly डाल सकते हैं. Greater than आता है तो one minus उसका complement का लेना पड़ता है. और जब ऐसे बीच में आए तब ऐसे करना पड़ता है नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन इफ रैंडम वेरिएबल एक्स हैजी एफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी डिड बाई एक्स वेन एक्स इज बिटवीन वन एंड थ्री देन फाइंड सी ईफ एक्स वी ऑफ एक्स एंड ऑल्सो फाइंड एफ ऑफ एक्स तो हमें पहले सी ढूंढना है पहले वो ही कर लेते हैं so, सो यहाँ पे इंटीग्रेशन फ्रॉम वन टू थ्री एफ ऑफ एक्स डी एक्स शुड बी वन एज एफ ऑफ एक्स इज अ पी डी एफ ठीक है सो दिस एम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम वन टू थ्री सी डिवाइडेड बाय एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वन अभी यू शुड नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स ठीक है तो यहां पे हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें मिलता है सी लॉग एक्स और फिर हमें यहाँ पे लगाना है थ्री और वन इज इक्वल टू वन अभी लॉग थ्री माइनस लॉग वन लॉग वन का वैल्यू होता है जीरो ठीक है ये भी याद रखना चाहिए लॉग वन इज इक्वल टू जीरो सो दे हमें बस मिल जाता है दैट सी लॉग थ्री इज इक्वल टू वन दे फोर सी इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय लॉग थ्री ओके दिस इज द वैल्यू फॉर सी नाउ वी हैव टू फाइंड ई ऑफ एक्स ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन से लेके थ्री में x इंटू एफ ऑफ एक्स डीएक्स दिस इज इक्वल टू एक्स इंटू वन अपॉन लॉक थ्री और नीचे x भी होगा बराबर ये x और x तो कैंसिल हो जाएगा सो इंटीग्रेशन फ्रॉम वन टू थ्री इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन लॉक थ्री डीएक्स दिस इज इक्वल टू जस्ट वन अपॉन लॉक थ्री ये तो कॉन्स्टेंट के जैसे एक्ट करेगा एंड अभी अपने पास सिर्फ इधर एक्स होगा जिसमें हमें थ्री टू वन करना पड़ेगा तो थ्री माइनस वन डालेंगे इसमें तो टू आ जाएगा तो देफोर इसका आंसर है टू डिवाइडेड बाय लॉग थ्री अब नेक्स्ट वेरिएंस ऑफ एक्स वेरिएंस ऑफ एक्स ढूंढने के लिए हमें पहले तो ढूंढना पड़ेगा ई ऑफ एक्स स्क्वायर तो दिस इज वन टू थ्री एक्स स्क्वास डी एक्स विच इज इक्वल टू वन से लेके थ्री तक अभी एक्स स्क्वेयर इंटू वन अपॉन लॉग थ्री इंटू एक्स तो वो इधर सिर्फ एक एक्स रह जाएगा ना कैंसल होके मैं लिख देती हूँ अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय टू वी गेट वन अपॉन लॉग थ्री एक्स स्क्वाइडेड बाई टू फ्रॉम थ्री टू वन सब्स्टिट्यूट करने पे हमें मिलता है एंड नाइन माइनस वन तो एट है जब कैंसिल करेंगे तो फोर आ जाएगा तो देफोर हमें मिलता है फोर डिवाइडेड बाय लॉग थ्री ओके नाउ हम वेरिएंस ढूंढते हैं सो वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू दे ई ऑफ एक्स स्क्वेर माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर एंड एफ वी गेट दैट दिस इज इक्वल टू फोर डिवाइडेड बाई लॉक थ्री माइनस टू डिवाइडेड बाई लॉक थ्री द होल स्क्स बिकम्स अब यहाँ पे लॉक थ्री द होल स्क्वेयर है तो हमें इधर ऊपर भी लॉक थ्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो वी गेट फोर लॉक थ्री माइनस फोर डिवाइडेड बाय लॉक थ्री द होल स्क्वेयर this is the value for variance now the last part let us find capital f of x capital f of x is equal to 0 se leke yaha pe starting point is not 0 it is 1 1 se leke x tak f of x dx this is 1 se leke x tak we have c mata 1 upon log 3 into 1 upon x dx अब जब वन अपॉन एक्स का मैं इंटीग्रेशन करूंगी तो मुझे लॉग एक्स मिलेगा सो देफो दिस इज लॉग एक्स डिवाइडेड बाय लॉग थ्री और इसमें हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं एक्स से लेके वन तक तो इसका आंसर होता है लॉग एक्स डिवाइडेड बाय लॉग थ्री माइनस लॉग वन जो होता है जीरो एंड देफोर आर आंसर इज जस्ट लॉग एक्स डिवाइडेड बाय लॉग थ्री और लॉग के रूल्स को यूज करके हम इसको लॉग एक्स टू द बेस थ्री भी लिख सकते हैं ठीक है या फिर यहां पे भी छोड़ सकते हैं तो विद दिस आर एक्सरसाइज इज डन इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ वी विल स्टडी अबाउट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन